जिला सोलन के गीता आदर्श विद्यालय के बच्चों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों से लुप्त हो रही ग्राट जैसी पुरानी विधियों का नई तकनीक के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सोलन द्वारा LR कॉलेज ओचघाट में आयोजित चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के दौरान ये मॉडल काफी सराहा गया है। जिला सोलन के गीता आदर्श विद्यालय के बच्चों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों से लुप्त हो रहे घराट जैसी पुरानी विधियों को नई तकनीक के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सोलन द्वारा LR कॉलेज ओचघाट में आयोजित चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के दौरान ये मॉडल काफी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें कि बच्चों द्वारा यह एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग न सिर्फ अपने ट्रेडिशनल कार्यों को नई तकनीक के साथ कर सकेंगे बल्कि इस तकनीक के द्वारा अपने स्तर पर नए बिजली उत्पादन भी कर सकेंगे। वहीं इसके अलावा इसे इस तरीके से बनाया गया है जिसके जरिए बड़े पैमाने पर मसालों की पिसाई, आटा पिसाई जैसे कार्यों को आसानी से किया जा सकेगा। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसे पानी के द्वारा ही चलाया जाता है और इसे किसी अन्य तरह की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, जिस कारण ये पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगा और साथ ही वे लोगों को भी इसके इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जो नदी से दूर रहते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी यूनिट भी बनाया गया है जो बिना किसी मोटर के एक व्हील द्वारा नदी के पानी की गति को इस्तेमाल करके पानी का काफी ऊंचाई तक लिफ्ट किया जा सकता है। मॉडल तैयार करने वाले छात्र ने बताया कि उनके द्वारा जो मॉडल तैयार किया गया है इसमें सारे ट्रेडिशनल सिस्टम को एक जगह लगाया गया है जिसके जरिए पुराने कार्य जैसे घराट, ओखल और मूसल आदि के जरिए किए जाने वाले ट्रेडिशनल कार्यों को नई तकनीक के साथ किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इसके जरिए बिजली का उत्पादन भी कर सकेंगे और बड़े पैमाने पर इसके द्वारा कार्य भी किए जा सकते हैं। साइंस सुपरवाइजर अमरीश शर्मा ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सोलन द्वारा LR कॉलेज ओचघाट में 3 दिवसीय जिला स्तरीय साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया था जिसमें जिला भर के करीब 50 स्कूलों ने भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मॉडल प्रतियोगिता, साइंस क्विज, मैथमेटिक्स ओलंपियाड जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इसी के आधार पर बच्चों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी किया गया। तो ये जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ हमने LR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गेनाइज किया है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है आज इसका समापन समारोह है जिसमें करीबन 350 बच्चे और 50 के करीब स्कूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह की गतिविधियाँ चली हैं, साइंस क्विज के कार्यक्रम हुए हैं, इसमें मॉडल एग्जीबिशन हुआ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कॉम्पिटिशन जो है बच्चों का वो चलता है, इसके साथ साथ इसमें मैथमेटिकल ओलम्पियाड और साइंस एक्टिविटी कॉर्नर के भी बहुत से प्रोग्राम हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात देखने को ये मिलती है कि बच्चों का जो प्रदर्शन है वो बहुत बेहतरीन है, टीचर्स ने बहुत मेहनत करवाई है और आपके सामने ही यहाँ पर जो मॉडल्स हैं जिसमें ट्रेडिशनल वे में जिस तरह से एनर्जी का यूज़ किया है, जो हमारे पुरातन में जो भारतीय लोग करते थे, वो सभी चीज़ें इस मॉडल में दर्शाई गई हैं। उसके अलावा और भी जो मॉडल्स हैं उसमें बच्चों का जो है एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक नई इनोवेशन है जो कि वो दिखा रहे हैं। हम गीता आदर्श विद्यालय सोलन के छात्र हैं। इस वर्ष हम अपना साइंस कांग्रेस में मॉडल लेके आए हैं जिसका नाम हमने ट्रेडिशनल सिस्टम फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस है। इसमें हमने बहुत सारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स को एक असेंबली लाइन पे लाया है और ये सेल्फ सस्टेन सिस्टम है, इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी हमारे को और सारे सिस्टम खुद काम करते रहेंगे मॉडर्न वे में, पर ट्रेडिशनल जो हमारे पुराने टाइम के जैसे घराट थी, ओखल और मूसल, हैमर्स हमारे पत्थर तोड़ने के लिए, लीनियर ब्लेड और वुडन कटर और मेटल कटर लकड़ी या लोहा काटने के लिए। इसमें हमने मधानी भी लगाई है, जैसे ट्रेडिशनली अगर हमारे को लार्ज स्केल पे लस्सी प्रोड्यूस करनी है या फिर वो है, और हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो रेजिडेंशियल एरिया को पावर करने के लिए काम आएगी। उसमें क्रशर्स भी हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को थिन शीट्स में रोल कर सकें। पूरा हमारा ये सेटअप किसी भी लार्ज इंडस्ट्री के लिए काम कर सकता है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिल्कुल कोई भी प्रदूषण इसमें नहीं होगा। और इसका जो व्हील हमारे को मेन चाहिए वो पानी से घूम सकता है रिवर पे इंस्टॉल करके, और इससे हम इम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि जो भी इसमें काम करेंगे लोग तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी इंक्रीज करेगी और ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें
प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। अगर हमें ये सिस्टम नदी से दूर भी इंस्टॉल करना है तो हमने उसके लिए एक वाटर लिफ्टिंग मैकेनिज्म बनाया है ताकि हम अपना व्हील नदी पे प्लेस करें और एक सिस्टम है जिससे पानी आपका हाइट पे अटेन हो जाएगा, फिर आप उसको व्हील पे गिर सकते हैं और ये सिस्टम नदी से दूर भी काम कर सकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।